हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटी रिजल्ट के बारे में। तो आप सभी ने अपना जो रैंक है वो चेक कर ही लिया होगा, ठीक है, कि आपके नंबर के हिसाब से आपका रैंक क्या बनता है। मैंने जब पहले कट ऑफ डाली थी तब भी बताया था कि एक एक पॉइंट पॉइंट नंबर पे भी बहुत सारे बच्चों का गैप आ जाता है। तो आपके सामने वो लाइव है, देख लेना कैसे, क्योंकि एक्सपीरियंस जिसको होता है वो पता होता है कि एक नंबर के अंदर भी बहुत सारे बच्चे वेरी करते हैं, क्योंकि सेम नंबर भी बहुत सारे बच्चों के होते हैं। देखिए, सीईटी ने रिजल्ट तो निकाल दिया, अब इन्होंने अपडेट के नाम पर इतना समय वेस्ट किया है बच्चों का, इतना समय वेस्ट किया है जो ये आज तक करती आ रही, जब इनको कुछ करना ही नहीं था, तो इतना भी महीने इन्होंने क्यों आपने जो है गवाए हैं और बच्चों के भी वेस्ट किए हैं। इन्होंने क्या किया, पहले रिजल्ट निकाल दिया, उसके बाद इन्होंने अपडेट के नाम पर जिन्होंने फेक नंबर लिए हैं, जिन्होंने कैटेगरी ठीक करनी है, विड्रॉ करने हैं, ये करना है वो करना है, उसके नाम पर चलते रहे एक्सटेंड करते रहे, और फाइनली जो रैंक लिस्ट निकाली वो भी पुराने रिजल्ट पर। जिन बच्चों ने विड्रॉ किए थे उनको विड्रॉ करके नहीं दिखाया, जिन्होंने अपनी कैटेगरी चेंज की थी उनकी कैटेगरी चेंज करके नहीं दिखाई है, पुराना रिजल्ट ऐसे कैसा डाल दिया है। जिन बच्चों ने एक्सपीरियंस के गलत नंबर ले रखे थे उनके भी एज इट इज दिखा दिए, जिसकी वजह से रैंक में बहुत वैरी हो रहा है बच्चों का। अब जिसकी वजह से जो गलत नंबर लिए हुए हैं वो बच्चे टॉप में आ जाएंगे, यानी कि चार गुना में आ जाएंगे, और जो आ सकते हैं वो नहीं आएंगे और आगे चलकर केस करेंगे, ठीक है, जो कि हालांकि इनकी हर एक भर्ती में होता आया है, वैसा ही सीईटी में ये होने वाला है मेंस पेपर में, ठीक है। तो खैर, हम बात करते वाले हैं डिटेल से बारे में, ठीक है, जो आपका डाटा आप लोगों का है। देखिए, 88 प्लस 4 बच्चों के हैं, 80 प्लस 352, 78 प्लस 847, 75 प्लस 70 प्लस और 65 प्लस, आप खुद ही देख लीजिए कितने बच्चे हैं, 34,109। अब आप खुद ही देख लीजिए यहाँ पर दो नंबर का सिर्फ 80 से 88 जाने में कितने बच्चे हो गए, 348 बच्चे सिर्फ दो नंबर में। अब देखिएगा, हैरानी की बात तो तब होगी, यहाँ पे दो नंबर में कितने बच्चे बढ़ गए आपके 495, और यहाँ पर जैसे ही 75 से 78 जाते हैं तो कितने बच्चे बढ़ रहे हैं, 1803। आप देख लीजिए तीन नंबर में कितने बच्चे आ गए आपके, ठीक है, पता लग गया। अब क्यों कहता हूँ कि मैं पॉइंट पे भी बहुत सारे बच्चे आपके यहाँ पे वैरी करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, पाँच नंबर पे 8000 बच्चे, और सबसे ज़्यादा तो यहाँ देखिए आप कितने बच्चे आपके यहाँ पर ऐड हो गए हैं, ठीक है। अगर आप माइनस करेंगे 34,000 में से तो 11,000, तो खुद ही देख लेना कितने हजार बच्चे का गैप हो गया, ठीक है। तो ये तो खैर बच्चे थे आपके, कितने बच्चे हैं यहाँ पर, तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाली थी, वहाँ पर भी बहुत बच्चों के रिप्लाई आ रहे थे, 80 प्लस ऐसे कैसे आ जाएंगे, 75 प्लस कैसे आ जाएंगे, आप खुद ही देख लीजिए 80 प्लस कितने बच्चे, 352 बच्चे हैं आपके, ठीक है। इनमें वो बच्चे भी हैं जिन्होंने कैटेगरी भी अपनी चेंज की होगी, ठीक है, विड्रॉ भी करे होंगे, वो नहीं किए इन्होंने, अपडेट ऐसे कैसा इन्होंने डाल दिया बिना अपडेट किए। तो अभी तक इन्होंने किया ही क्या है, सिर्फ एक टाइम वेस्ट करने के अलावा बच्चों का, सिर्फ बच्चों को वेट करवाया है और उसके अलावा कुछ नहीं। अब देखिए, हम वैकेंसी की बात करें और 56-57 की, इसके अनुसार अगर ये इसी पर बुलाते हैं जो इन्होंने रैंक लिस्ट निकाली है, इसी के आधार पर ये चार गुना बच्चे बुलाते हैं, तो आपका नंबर आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। मैंने कट ऑफ डाली थी पहले भी, एग्जैक्टली वहीं पर आपके आसपास आ रही है। देखिए, जनरल की आपकी पोस्ट है, चार गुना कर लीजिए एससी, हालांकि इन्होंने बताया है कि चार गुना हम जो है आपका कैटेगरी वाइज ही बुलाएंगे, जैसे जनरल एससी, बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस, तो यदि पोस्ट करें तो ये आपका चार गुना यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से यदि मैं बात करूँ तो जनरल में 9572 जिसका रैंक होगा वो आपका ग्रुप 56 में, और 9572 जो रैंक आता है वो कितने बच्चे का आता है, जिसके 66.89 नंबर आते हैं। इसी के हिसाब से 4680 रैंक है एससी में रमन का, जिसके नंबर है 62.12। रमन से ऊपर वाले जितने भी बच्चे हैं सबका आएगा रमन के साथ। बीसीए में 3596 जिसका रैंक है विनोद है, जिसके नंबर है 66.61, यानी कि विनोद से पहले वाले सारे और विनोद। बीसीबी जिसमें आपका रैंक है 2116, किस बच्चे का, नितेश का है, जिसके नंबर है 69.27 है। और ईडब्ल्यूएस में 2512 जो रैंक है वो विकास का है, जिसके नंबर है 70.07 है। तो ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है इस रैंक लिस्ट के आधार से जो इन्होंने डाली है। अगर वो अभी भी अपडेट नहीं करते हैं तो अगर अपडेट करेंगे तो टाइम लगने वाला है, पेपर आपका डिले होगा ही होगा, अगर अपडेट नहीं करेंगे तो पेपर हो भी जाएगा तो केस होगा, ठीक है। इनको चाहते ही ये थे
कि टाइम वो कैसे वेस्ट करना है, कैसे पेपर को डिले करना है। 4 साल तो इन्होंने निकाल दिए बिना भर्ती के, ठीक है, अब भी ऐसे निकाल देंगे। इसी तरीके से ग्रुप 57 की यदि मैं बात करूं तो लगभग लगभग सेम ही आपकी पोस्ट है। ग्रुप 57 की बात करूं तो जनरल में 2100 है आपकी, लगभग 1046 SC की है, BCA की 657 है, BCB की 362 है और EWS की 547 है। तो उनका 4 गुना के हिसाब से यदि मैं ग्रुप 57 की बात करूं तो आपकी थोड़ी बहुत वेरी करने वाली है रैंक ऊपर नीचे। तो इसमें 67.53 होगी आपकी, ये लगभग सेम होगी, 62.61 हो जाएगी, ये 68.20 हो जाएगी, ये 70.69 हो जाएगी और ये 70.65। तो इतना चेंज आपका हो जाएगा ग्रुप 57 वालों के लिए। तो ये कट ऑफ रहने वाली है, तो इसमें आप अपना 1-2 ऊपर नीचे कर सकते हैं। यदि विड्रॉ या कुछ चेंज करते हैं तो प्लस माइनस 1-2 आप इनमें कर सकते हैं, प्लस माइनस 1-2 हर एक में, ठीक है। तो ये आप लोगों को एक डेटा अपडेट बताना था कि रैंक आपका किस हिसाब से दिया गया है और आपका जो नंबर है कौन कौन से नंबर वालों का पढ़ने वाला है ग्रुप 56 और 57 में, ठीक है। जो इन्होंने चेंज करने थे बिल्कुल भी चेंज नहीं किए हैं, समय बिल्कुल बर्बाद किया है बच्चों का, खुद तो है ही सिस्टम इतना गंदा, ठीक है। इनको किसी की परवाह पहले भी नहीं थी और अब भी नहीं है और ना ही होगी, ठीक है। तो इसलिए मैं पहले भी कहते आया हूँ कि CET में गलती मत करना है, अकेले एग्जाम की तैयारी करने की साथ के साथ सेंटर लेवल या किसी और एग्जाम की भी तैयारी जरूर करते रहना। इसमें फंस गए तो फंसते रह जाओगे, इसी तरीके से टाइम निकालते रहेंगे। तो ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है, जिनके ये नंबर हैं अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है। हालांकि जिसके 1-2 ऊपर नीचे हैं वेरी हो सकता है, क्योंकि रिजल्ट आपका चेंज होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि बहुत खामियां हैं रिजल्ट में, बहुत चेंज होने हैं जो इन्होंने नहीं किए हैं, ठीक है। वो तो खैर ये ज्वाइनिंग तक भी करते रहेंगे, इनका यही काम है। मान लो ज्वाइनिंग दे भी दी तो मनमाने उसके बाद भी ये क्या पता क्या कर दे, कुछ नहीं पता, ऐसे ही बंदे बैठे हैं। तो यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपकी कोई भी यदि क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। पहली बार देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।